क्ष नंबर फिफ्टी ऑन स्मार्ट रीड बुकैब आज फाइनली हाफ सेंचुरी हमने मार दी है हमारी स्मार्ट रीड बुकैप सीरीज में एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड बिल नंबर फिफ्टी में जो मैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेजेज ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं बच्चों सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इगैलिटेरियनिज्म क्या रेफरेंस है इगैलीटेरियनिज्म का the primary objective is to advance egalitarianism and counteract prejudice okay maine kya likha hai egalitarianism is the belief that all people are created equal yani ye ek concept hai jiska belief hai ki sare log बराबरी का हक रखते हैं यानी कि किसी को भी ऊपर वाले ने अलग नहीं बनाया है सब इक्वल हैं सब बराबर हैं समान अधिकार पाने का सब हकदार हैं ये एक कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं हम इगैलिटेरियनिज्म इगैलिटेरियन Egalitarian अगर आप हैं तो आपकी सोच ऐसी है चलिए एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं अभी यहां पे आई बिलीव डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका इगैलीटेरियनिज्म इज अ बिलीफ और फिलासफी दैट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल इट दैट एम्फिसन शुड हैव द सेम राइट अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड सोशल स्टेटस और अदर डिफरेंसेज इन सिंपलर टर्म्स egalitarianism इज अबाउट फेयरनेस एंड एंश्योरिंग दैट everyone has हैज़ अ फेयर चांस इन लाइफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कोई भेदभाव भेदभाव ना हो वो सोसाइटी कैसी होती है इगैलीटेरिज्म को फॉलो करने वाली चलिए अब इस इमेज में आप देख रहे हैं आ, ये मान लीजिए एक सोसाइटी है ये दूसरी सोसाइटी है या एक तरीके के लोग हैं ये दूसरी तरीके के लोग हैं और अगर ये बराबर हैं बैलेंस्ड हैं यानी कि बीच में कोई भेदभाव नहीं है कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है कोई काला नहीं है कोई गोरा नहीं है सब बराबर है, है अगर काले गोरे बट आपस में भेदभाव नहीं है मानसिक रूप से यानी मेंटल लेवल पे सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो ये जो सोच है जो फिलासफी है इसको हम बोलते हैं इगैली टेरिज्म डिस्कस करते हैं इक्वालिटी अब अगर आपको याद रखना है तो ई से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड्स इक्वालिटी इगैली टेरिज्म जिससे आपको याद रखने में हेल्प होगी फेयरनेस जस्टिस न्याय ये इसके सिनोनिम्स हो गए एंटोनिम्स की बात करें तो अनफेयरनेस इन जस्टिस एंटोनिम्स हो गए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज कम्पैशनेट कमपैशनेट एडजेक्टिव है कहां से आई कम से कम्पैशन यानी कि दया रेफरेंस का लिखा है टू एंश्योर फेयर एंड कंपैशनट वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर मेटर्निटी रिलेटेड नीड्स ओके मीनिंग शोइंग एम्पथी और सिल्फी फॉर अदर्स सफरिंग या फिर केयरिंग दूसरों के प्रति आप दया की भावना दिखाएं एम्पथी फील करें या सेम्पथी दिखाएं आप आप केयर दिखाएं तो यानी कि आप कंपैशनेट हैं दया का भाव रखते हैं अब देखिए स्ट्रीट डॉग्स हैं और ये कोई सोसाइटी है कोई एनजीओ है उनके वर्कर्स हेल्प कर रहे हैं उसकी चोट तो लग गई उसको दवा लगा रहे हैं खाना भी खिलाते हैं बहुत सारे एन और इंडिविजुअल लोग भी तो जो लोग ऐसा करते हैं वो कैसे हैं कंपैशनेट हैं गरीब लोगों के लिए काम करना ओल्ड एजड लोगों के लिए काम करना अनाथ बच्चों के लिए काम करना या नहीं भी करना मतलब इस तरीके से बट रैंडम अगर आप देखें किसी को सड़क पे कोई चोट लग गई या किसी को हेल्प की नीड है और आपके अंदर से ये फीलिंग आए इमोशन आया कि मुझे जाके हेल्प करनी है और आप हेल्प करते हैं अगर तो इट मीन्स कि आप कंपैशनेट हैं ठीक है सो ये था एग्जाम्पल कंपैशनेट so, का अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स काइंड एम्पेटिक सिनोनिम्स हो गए ये एडेनिम्स की बात करें तो क्रूअल यानी आप क्रूर हैं आपके अंदर दया का भाव नहीं है यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता अनकाइंड दया का कोई आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है कोई फीलिंग नहीं आप unkind है आप अनकाइंड हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज काउंटर एक्ट काउंटर एक्ट वर्ड को आप ध्यान से देखें काउंटर एक्शन इसको हम बोलते हैं काउंटर एक्ट यानी कि किसी एक्शन के प्रति आपका रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको हम बोलते हैं काउंटर एक्ट चलिए रेफरेंस पढ़ते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस इगैलीटेरिज्म एंड काउंटर एक्ट मीनिंग टू एक्ट अगेंस्ट समथिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स फोर्स और न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट किसी चीज के प्रति किसी एक्शन के प्रति आपका रिएक्शन जो कि उसके एक्शन को रिड्यूस कर दे उसके फोर्स को रिड्यूस कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे उसके इफेक्ट को तब आप बोलते हैं कि आपने उसे काउंटर एक्ट किया एग्जाम्पल्स पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव्स

पेड़ लगाने से पौधे लगाने से एंड रिड्यूस करना पोल्यूशन को ये किस लिए क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आज यहाँ पे हमारे शहर में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री है तो इन इफेक्ट्स को निगेट करने के लिए या काउंटर एक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ट्रीज़ प्लांट किए जा रहे हैं प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जा रहे हैं और पोल्यूशन रोका जा रहा है चलिए आई होप आपको काउंटर एक्ट मीनिंग का मीनिंग समझ में आ गया हो ऑफसेट न्यूट्रलाइज करना निगेट काउंटर बैलेंस तीनों के मीनिंग एक जैसे हैं ठीक ऑपोजिट्स की बात करें तो सपोर्ट एड मदद करना आगे बढ़ाना उसको और चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रेजुडिस क्या रेफरेंस लिखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वापस से वही सेंटेंस तीन वर्ड्स हमें मिले यहां एक्ट एंड प्रेजुडिस मीनिंग क्या लिखा है प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस बायस यानी आपने अपने दिमाग में पहले से कोई इमेज बना रखी है पहले से आपने कोई एक थॉट बना रखा है कि ऐसा ही होता है ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं किसी को देखा ये आ, किसी का सरनेम सुना ये ऐसे ही होते हैं किसी की रंगत देखी ये ऐसे ही होते हैं ये आपके दिमाग में क्या है प्रेजुडिस है ठीक है जेंडर देखा ऐसे ही होते हैं चलिए समझते हैं इनको एग्ज़ाम्पल्स के साथ अब देखिए कोई ब्लैक गर्ल है और सब फिंगर उसकी तरफ कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं यानी ब्लैक जो लोग होते हैं हमारे दिमाग में एक पहले से एक थाट होता है ओपिनियन होता है कि ब्लैक लोग अच्छे नहीं होते ब्लैक लोग ऑनेस्ट नहीं होते ये जो बायस है इसको हम प्रेजुडिस भी बोलते पूर्वाग्रह पहले से दिमाग में आपने एक इमेज बना रखी है अपनी एक बिलीफ बना रखा है आ, अपने आ, इंडिया में खास करके नॉर्थ में कोई लड़की अगर व्हीकल चला रही है तो हम प्रेजुडिस हमारे दिमाग में रहता है कि अब ये एक्सीडेंट करने वाली अब ये ठोकेगी गाड़ी ठीक और लड़का लड़की साथ में देखें पक्का ये कपल है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आ, वो भाई बहन हो भले ही साथ चल रहे हैं हंसी मतलब हंसते हुए आ, खेलते हुए चल रहे हैं साथ में हंसी मजाक करते हुए आपके दिमाग में पक्का क्या जाएगा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पक्का तो ये क्या है ये प्रेजिस है ये बायस है इसी तरीके की और भी प्रेजुडिस प्रेजुडिस होते हैं अभी हम बात करते हैं की बायस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव इनटॉलरेंस यानी एक आपके अंदर असहनशीलता है फेयरनेस impartiality, open mindedness, mindedness ये इसके antonyms हो गए आई hope prejudice का meaning भी आपको समझ में आ गया हो Next word is sustenance. Sustain करने के लिए जो चीज जरूरत जरुर, जरूरत वाली होती है उसको बोलते हैं सस्टेनेंस नाउन है ये रेफरेंस पढ़ते हैं टू गारंटी इक्वल एक्सेस फॉर बोथ मेन एंड वीमेन टू अ सफिशियंट मीन्स ऑफ सस्टेनेंस मीनिंग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और सपोर्ट जीविका जीवन जीने के लिए जो मीन्स यूज होते हैं यानी जो जीवन चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं उसको हम बोलते हैं सस्टेनेंस नरिशमेंट नीडेड टू सस्टेन लाइफ जो पदार्थ जो आइटम्स या जो खाने पीने की सामग्री आपको चाहिए होती है जिससे आप अपना जीवन चला सकें नरिश कर सकें उसको उसको बोलते हैं सस्टेनेंस अनाज बहुत बेसिक सा है अनाज सस्टेनेंस होता है इससे हमारा जीवन चलता है खाने पीने के सामान बेसिक सामान ठीक एग्जाम्पल्स हमारे सामने फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सस्टेनेस यानी जीविका के लिए किस पे निर्भर है फार्मिंग और एग्रीकल्चर ठीक दूसरा एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाइक मनरेगा प्रोवाइड सस्टेनेंस बाई गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट अपर्चुनिटीज फॉर रूरल हाउस होल्ड गाँव में जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको रोजगार के लिए यानी सस्टेनेंस के लिए जो ये मनरेगा हैल्प करती है उनको आजीविका चलाने के लिए उनको उनको जीविका चलाने में मदद करती है लाइवलीहुड मेंटेनेंस जो लाइफ है उसको मेंटेन करके रखना नरिशमेंट खाने पीने का सामान जो आपको नरिश करता है आपकी बॉडी को आपके माइंड को एंडनेंस की बात करते हो डिप्राइवेशन यानी उससे दूर खाने पीने के सामान से दूर स्टावेशन भुखमरी नेगलेक्ट नजरअंदाज करना यानी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए नेगलेक्ट भी इसका एंडरेंस हो सकता है चलिए वो करते नेक्स्ट वर्ड में विच इज स्ट्राइव रेफरेंस पढ़ते हैं सोसाइटी कैन स्ट्राइव मेजर सॉरी सोसाइटी कैन स्ट्राइव टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड मीनिंग टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू स्ट्रगल और फाइट विगरे किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना उसको हम बोलते हैं स्ट्राइव मेहनत करना जी तोड़ मेहनत करना पूरी लगन से काम करना स्ट्राइव कर रहे हैं आपका मन है आपका मतलब दिल और दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है तो आप स्ट्राइव कर रहे हैं उस चीज़ के लिए देखिए अब इनको कोई कॉम्पिटिशन है आई बिलीव बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड उसमें वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम एक्सरसाइज सुबह शाम वेट लिफ्टिंग और अपने न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखना इस तरीके से एंड फाइनली जब वो जीतते हैं सो so, ये खुशी होती है तो so, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है ये स्ट्राइव है दिमाग में एम है कि मुझे जीतना है ठीक सो वीज बेसिकली स्ट्राइव टू विन दो और एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स शी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन हर एकेडमिक स्टडीज बहुत सारी पत्र... कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी रुकावटों का सामना करने के बाद भी शी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस उसने एक्सलेंस के लिए पूरी जीत तोड़ कोशिश की अपने एकेडमिक स्टडीज में आगे बढ़ने के लिए दूसरा एग्जाम्पल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट वेयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फ्लरिश ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वो हमेशा पूरी कोशिश करती है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट दे जहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात हो और वो आगे बढ़े इन दोनों पॉइंट्स पे आई इस टाइप का मीनिंग समझ में आया हो एंड एंड सिनोनिम्स की बात करें तो एंडेवर प्रयास करना एस्पायर लेबर मेहनत करना की बात करें तो रिलैक्स आराम करना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लोड नहीं है जाने दो चलने दो जैसी लाइफ चल रही है सरेंडर घुटने टेक देना अबेंडन छोड़ देना जाने दो तो ये इसके एंटेम्स हो गए चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट अभी चुनाव हुए थे पूरी जनता ने मैंडेट दिया कि वो किसको अपना प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है सो मैंडेट यानी कि जनादेश तरीके से शासनादेश भी होता है और यहाँ पे आई बिलीव शासनादेश के ही कॉन्टेक्स्ट है यानी शासन का आदेश पढ़ते हैं इसको आर्टिकल थ्री नाइन थर्टी नाइन द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट टू गारंटी इक्वल एक्सेस फॉर बोथ मैन एंड वेमन टू टू सफिशियंट मीन ऑफ सस्टेनेंस ओके एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन इम्पोज बाई अथॉरिटी हाँ बिल्कुल यहां ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड यानी शासन ने कोई आदेश दिया है वो पूरा होना है या उस पर अमल होना है मैंडेट दिया है रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय अथॉरिटी ऐसा करना है सबको कोविड नाइन्टीन है लॉकडाउन लगा है ये मैंडेट है किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है सबको अपने घरों में रहना है किसी से मेल जोल नहीं करना है ये मैंडेट है ठीक uh, है ये देखिए ये आई बिलीव यू एस प्रेजिडेंट हैं और वो एक मैंडेट दे रहे हैं आम पब्लिक को और ये रिकॉर्ड हो रहा होगा उनके नेशनल टी वी के लिए और ये टेलीकास्ट हो जाएगा सब जगह अब ऐसा होगा हमारे देश में अब ये चीज फॉलो होगी सो so, कोई पर्टिकुलर मैंडेट वो दे रहे हैं वो उसका स्क्रीन आपके सामने है अब बात करते हैं की डायरेक्टिव डिक्री कमांड तीनों एक जैसे हैं तीनों का मतलब कोई कमांड कोई डायरेक्टिव कोई कानून सामने लाना और लोगों तक लेके जाना और वो बताना कि अब ये फॉलो होगा एंड रिम्स ऑप्शन चॉइस सजेशन यानी यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है या चॉइस है आपके लिए ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो बट वहां पे मैंडेट पे ऐसा होना है ठीक आई होप आपको समझ में आया हो मैंडेट का मीनिंग दैट्स इट बचो नाउ वंस अगेन आपको क्या करना है आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 50 पे अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज एज यूजुअल और रिजल्ट स्क्रीन जब आपके सामने आए आपको पिक करनी है आपकी आर स्पीड और आपका आर लेवल और दोनों को मेंशन कर देना है कमेंट सेक्शन में सो दैट आई कैन चेक आई कैन असेस आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली दिस इज माई नंबर आई एम अवेलेबल इन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर क्लैट को लेकर या किसी अदर लॉ एग्जाम को लेकर भी कोई भी इशो हो कोई भी कंसर्न हो कोई गाइडेंस चाहिए आई एम अवेलेबल फॉर यू प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी डैट्स इट कल मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ कुछ नए वर्ड्स के साथ टेक केयर